आईआरडीए ने एक ऐसा ऐतिहासिक डिसीजन लिया मेरे दोस्तों, अगर वो अप्लाई हो गया तो पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों क्रांति आ जाएगी। जितने भी लोग इस बीमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका जीवन बदल जाएगा। अब सवाल आपके मन में ये होगा, तो फिर ऐसा आईआरडीए ने क्या कर दिया या क्या करने वाला है? क्योंकि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हमको तो यार लोगों को पीछे भागना पड़ता है, तभी लोग पॉलिसी कराते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है कि अब आपको लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग आपसे बोलेंगे वो वाला है तो बताना जरा, ऐसा होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही पावरफुल है, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग की जो बत्ती है ना उसको जलाना पड़ेगा और थोड़ा सा जो विजन है उसको थोड़ा दूर की रखना पड़ेगा, तभी ये वीडियो समझ आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आराम से देखना। इसमें तीन बातें बताऊंगा। नंबर एक बात, वो कौन सा डिसीजन है जो आईआरडीए ऑलमोस्ट लेने वाला है और जिससे इस मार्केट में एक जबरदस्त उछाल आएगा। दूसरी बात, कुछ आंकड़े डेटा बताऊंगा जो अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, तो आपको पता होना चाहिए क्या है वो आंकड़े, क्या वो डेटा है जो आपके फेवर की बात करते हैं। और फिर सीधा तीसरा जो पॉइंट होगा, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपके लाइफ में इससे सीधा क्या फायदा होने वाला है, आपकी इनकम कैसे बढ़ने वाली है, तीनों बातें आपको बताऊंगा। अगर आप दोस्तों पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन 240 सिस्टम। और दोस्तों जैसे आईआरडीए का एक मिशन है कि 2047 तक हर भारतीय को इंश्योर करना है, ऐसे मेरा भी एक मिशन है अगले 2027 यानी 5 साल तक 1,00,000 MDRT क्रिएट करने हिंदुस्तान के अंदर। कैसे करूंगा? उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराना है, उनके अंदर सेलिंग स्किल्स डेवलप करानी है और उनको सिखाना है कैसे क्लोज करते हैं ताकि वो हर महीने कम से कम 1,00,000 रुपए अर्न कर सके अपने मर्जी से बिना किसी को कन्विंस करने के बजाय। तो दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूं बहुत प्रयास किया है, बहुत डेटा निकाला है, आपके लिए है। आप बताएंगे ये वीडियो क्या लगा, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करें, क्या अच्छा लगा वो सब बताइए ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। ये चैनल आपकी वजह से है और आप लोगों के लिए है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे आईआरडीए ने कैसा क्या डिसीजन ऑलमोस्ट लेने वाला है जिससे भूचाल आने वाला है। टू द पॉइंट, देखिए आईआरडीए के जो चेयरमैन है मिस्टर देवाशीष पांडा जी, मैंने आज तक ऐसा जुझारू और क्या बोलते हैं काम करने वाला लीडर और भी लोग आए नहीं देखा। ये बहुत डिफरेंट तरीके सोचते हैं जो पांडा जी है, इनकी इस समय ऑलमोस्ट फाइनल मीटिंग चल रही है। ये इन्होंने देखा कि सबसे बड़ी जो मार्केट है भारत के अंदर वो है सेमी अर्बन और रूरल मार्केट। क्या बोला मैंने? सेमी अर्बन, जो छोटे गांव के शहर मतलब जो छोटे कस्बे होते हैं उनको बोलते हैं सेमी अर्बन, और रूरल जो गांव के लोग होते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला है कि ये कॉन्सेप्ट लाने वाले इसको बोलते हैं बीमा विस्तार। फिर बोल रहा हूं बीमा विस्तार। ये बीमा विस्तार क्या है भाई? क्या है बीमा विस्तार? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस बीमा विस्तार के अंदर सब कुछ होगा। मतलब उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवर देंगे, उसी के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस कवर देंगे, उसी के अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर देंगे और हो सका तो हो सकता है उसमें कुछ ये सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी ऐड कर दें। ये बीमा विस्तार का जो कॉन्सेप्ट है ये आईआरडीए के चेयरमैन है और जो इंश्योरेंस कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी के सीईओज हैं, उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। सारी कंपनी के लोग इस बात पर रेडी हैं क्योंकि हर कंपनी वाले को पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिक है, रिवोल्यूशनरी है, जहां जाएगा लोग लाइन में लगकर खरीदेंगे, इससे मार्केट में क्या होगा बल्ले बल्ले। तो ये कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा जिसके अंदर एक थाली में, इसको बोल सकते हैं इंश्योरेंस की थाली, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा बीमा विस्तार के अंदर। अभी ये फाइनल स्टेज पे आने वाला है, 2024 तक इनका कॉन्सेप्ट है कि हर गांव गांव में ये बीमा विस्तार और छोटे शहरों में इसको पहुंचा देंगे। तो ये एक डिसीजन आने वाला है जिसको बोलते हैं बीमा विस्तार, इसमें सब कुछ कवर होगा। अब सवाल ये है कि ये अगर लागू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा, तो ये कैसे पहुंचा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कौन इसको बेचेगा, किसको पहुंचाए? तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल निकाला है आईआरडीए ने, वो निकाला है बीमा वाहक। क्या बोला मैंने? बीमा वाहक, बीमा वाहन। मतलब क्या होगा? ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जैसे बैंक मित्रा वाला जो कॉन्सेप्ट निकाला प्रधानमंत्री जी ने, उसी बीमा वाहक की तरह ये गांव गांव के 2024 तक हर गांव में एक बीमा वाहक जाएगा और वहां के लोगों को, केवल गांव गांव में नहीं, ये सेमी अर्बन में भी लागू किया जाएगा।
क्योंकि छोटे जो शहर है वहां भी लोग इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो वहां भी जाएगा और भी गांव गांव में जाएगा तो जो बीमा वाहक है इसको अभी दिया गया है वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए इसको दिया गया है। लेकिन आगे चल के इसमें कुछ ऐसी भी स्ट्रेटजी आ सकती है कि अगर अभी बताऊंगा आपको वीडियो में कि इसे एज एजेंट आपका क्या फायदा होगा। तो देखिए दो बातें क्लियर हो गई, नंबर एक बीमा विस्तार एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला जो आज तक नहीं हुआ, और दूसरी बात जो बीमा वाहक का जो कॉन्सेप्ट है कि जो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनका फायदा होगा। अब आपको कुछ मैं आंकड़े देता हूं, ऐसे आंकड़े अगर आप एक एडवाइजर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या आंकड़े हैं वो। देखिए सबसे ज्यादा जो भारत की इस समय पॉपुलेशन है वो कहां रहती है, गांव में या सेमी अर्बन छोटे कस्बों में, यानी 70% लोग वहां रहते हैं। उसमें से 70% लोग हैं, उसमें से 70-80% लोग यंग पॉपुलेशन है जो 20-35-40 साल के लोग हैं, यानी क्या है पोटेंशियल है, कमाएंगे और वहां पे लेने की क्षमता है। अब देखिए भारत की दूसरा डेटा, जो भारत की टोटल जो जीडीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का साइज है वो कितना है, 3.18 ट्रिलियन, मतलब समझिए 3,01,000,000,000,000 में 1,00,000 करोड़ होते हैं। तो अब ये लगा लीजिए कि 3,18,000 करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था है, 1,01,000,000,000 में 1,00,000 करोड़ होते हैं, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें से 4.2% इंश्योरेंस मार्केट लाइफ ने पूरी इंश्योरेंस मार्केट का शेयर, 13,00,000 करोड़ का पूरा जो मार्केट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं अब पूरी मार्केट कितनी है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर, 13 उसका 4.2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 13,00,000। ओके, ये इंश्योरेंस मार्केट का पोटेंशियल है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट, जो टोटल जीडीपी है उसका 50-55% जीडीपी कहां से आता है, रूरल और सेमी अर्बन एरिया से, जिसमें से 21% जीडीपी केवल गांव के किसान लोग, केवल एग्रीकल्चर, केवल किसान नहीं एग्रीकल्चर मार्केट उसमें देती है। और जो सबसे बड़ी आपके फायदे की बात है वो ये है कि टोटल जो भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसका 50% जीडीपी वो सर्विस सेक्टर से आता है, मतलब जहां पे सर्विस होती, जहां पे कुछ बनाता नहीं आदमी, सर्विस देता है, जैसे कोई होलसेलर है सर्विस दे रहा है, कोई चार्टर अकाउंटेंट है सर्विस दे रहा है, कोई डॉक्टर है सर्विस दे रहा है, कोई वकील है सर्विस दे रहा है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप क्या दे रहे हो, हेलो आप क्या दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो। तो यानी 50% जो जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर से आती है। अगर आप एक एडवाइजर हैं तो आप इस वजह कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो शहर, जो बड़े शहर है वहां भी ग्रोथ है, लेकिन जो अगर आप छोटे गांव में है या स्मॉल टाउन में रहते हैं तो वहां क्या होने वाला है आप इस बात का अंदाजा लगाइए। देखिए अब आप बोलेंगे तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो ये बताइए रवि जी सीधा सीधा कि हमको कौन सा पॉलिसी प्लान बेचना है और हमको कितना कमीशन मिलेगा, इन सब बातों से हमको क्या फर्क पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम है, जब तक आप अपने दिमाग को, विजन को एक्सपेंड नहीं करोगे, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो चेंज आ रहा, बदलाव आ रहा है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, फिर वही रह जाएंगे, भैया ये प्लान ले लो, ये प्लान ले लो, इसमें इतना इतना डिस्काउंट, यही तो प्रॉब्लम है। आपको जागरूक बनना है, देखना है मार्केट जा कहां रही है, कस्टमर क्या चाहता है, इसलिए ये डेटा आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। कैसा हो अगर किसी कस्टमर ने आपसे बोल दिया यार ये बीमा वाहक क्या है, ये बीमा विस्तार क्या है, मैंने न्यूज में पढ़ा था। अब आप बोलोगे हाँ सर हमको तो पता ही नहीं। अब आप बताइए आप इस इंडस्ट्री में हैं और आपको ये बात नहीं पता होगी तो क्या कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करेगा क्या, सोचिए इस बात को। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को प्रॉब्लम बताएं और डॉक्टर बोले यार हमको तो ये बात पता ही नहीं है, आप उसके पास जाएंगे, अरे बोलेंगे छोड़ो यार। तो इसलिए लोग आपके साथ जब जुड़ेंगे जब आपको जागरूकता होगी और आपको जानकारी होगी। अब तीसरी बात बताता हूं आपको कि ये इसका असर एज ए एडवाइजर आपके जीवन में क्या करने वाला है, तीन फायदे होंगे। उसके पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या वाकई आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कुछ खास मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, क्या जरिया है, क्या सिर्फ चाहने से पैसे आ जाएंगे आपके पास में,
नहीं आएंगे। आपके अंदर इन तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके जितने भी डाउट्स हैं, फियर है, क्या मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, क्या ये इंडस्ट्री सही है, इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। नंबर दो, कैसे नए नए लोग को अपने बिजनेस में जोड़ना है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग लीड जनरेशन, फोन कॉल से। और तीसरा, फिर उन लोगों को कस्टमर कैसे बनाना है, सवाल कैसे पूछना है, उनकी नीड कैसे बताना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और ये सिर्फ वीडियो देख के नहीं आएगा, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग होती है। तो कैसे मिलेगी दोस्तों, जैसे मैंने, मेरा मिशन है मुझे अगले 5 साल में 1 लाख MDR टिकट, इसलिए मैंने अपने 16 साल का एक्सपीरियंस सब फोन टू फोर सिस्टम जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। 1000 से ज्यादा लोगों को मैं सक्सेस दिला चुका हूं इसी फोन टू फोर सिस्टम में। पीपल आर मेकिंग गुड इनकम एंड प्रोग्रेस। मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी सोच सोच के बोल रहा हूं, अगर मेरा फोन टू फोर सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे पूरा, जब मैं कहता हूं, तो 90 दिन के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस, आपकी सेलिंग स्किल्स ऐसे हो जाएंगे। क्यों? ये ट्राइड एंड करना क्या है, 1 ईयर का पूरा सिस्टम आपको सिर्फ 997 दे रहा हूं, जिसमें आपको मंथली ट्रेनिंग, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग और वर्ल्ड क्लास लोगों की कम्युनिटी में आपको दे रहा हूं सिर्फ 997। दो पिज्जा खाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बी पार्ट ऑफ दैट। अब बात करते हैं आपका क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा क्या होगा, देखिए अभी भारत में लोगों के अंदर इंश्योरेंस के नाम पर जागरूकता नहीं है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन लेवल। क्या लेवल बोला? पेनिट्रेशन लेवल। तो जब ये बीमा वाहक और बीमा विस्तार आपस में काम करेंगे तो इससे होगा क्या, इससे जागरूकता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ब्रांड अवेयरनेस। आज कंपनी वाले करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए, आपकी इंश्योरेंस की मार्केटिंग यहां कौन करेगा? ये बीमा विस्तार और बीमा वाहक। ये जब जाएंगे क्या होगा? पेनिट्रेशन। क्या होगा? जागरूकता। क्या बढ़ेगी? अवेयरनेस। और जब अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को उसके बारे में पता लगता है, तो क्या होता है, लोग पूछते हैं अच्छा ये भी है, फिर लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं। यहां हिंदुस्तान में भेड़ चाल है, लोग पहले नहीं जाएंगे, अच्छा ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये चलो भैया मैं भी चलता हूं, राइट। तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। अब जब अवेयरनेस बढ़ जाएगी, दूसरा फायदा क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको इसको सेल्स करने में आसानी होगी। अभी लोग भागते हैं बीमा के नाम से, फिर भागेंगे नहीं, पूछेंगे अच्छा यार वो सुना है आजकल सरकार की वो चल रही है उसमें सब कुछ मिलता है, हाँ बताओ क्या। इसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ेंगे, लोग आपके पास आएंगे, जब जुड़ेंगे पास आएंगे, आप किसी परचून दुकान में जाते हो, दूध और अंडा ये रखते बेकरी वाले केवल कस्टमर बनाने के लिए, कुछ खास बचता नहीं उसमें, और कई बार तो नुकसान हो जाता है। अंडा अगर एक फूट जाए तो एक ट्रे जितने की लाता है, एक अंडा फूट जाए उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी रखता है। क्यों? दूध अंडा से ग्राहक बार बार आता है, और जब बार बार आता है तो फिर बिस्किट भी लेता है, फिर नमकीन भी लेता है, अफसर रहो, फिर वो कोल्ड ड्रिंक भी लेता है, वहां पैसा कमा लेता है। बिजनेस तरीके सोचिए, बिजनेस पर्सन, ओके। तो ऐसे ही जब कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ेगी, इंक्वायरी आएगी आपकी सेल में। दूसरी बात, जो बीमा वाहक है, अभी इसका IRDA ने खोल ओपन नहीं किया कि इसका बीमा वाहक कैसे बनाए जाएंगे, कौन बनेगा, एडवाइजर होंगे, क्या ये बोला है कि महिलाओं को ये चल दे, लेकिन IRDA भी पता है कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है और गांव-गांव में, छोटे शहरों में एडवाइजर का नेटवर्क स्ट्रांग है। तो IRDA भी हो सकता है आगे चल के बोले कि इसका एक रखेंगे क्राइटेरिया, उस एग्जाम को पास करो और आप बीमा वाहक बनिए, और छोटे शहरों में, गांव में जाके बीमा वाहक के नाम से जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और सेल कीजिए और पैसा कमाइए। और ऐसा हो गया फिर तो बल्ले बल्ले, राइट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा वो क्या है, देखिए IRDA का जो मिशन है कि 2047 तक हर भारतीय को इंश्योरेंस कवर देना है। ये एक माध्यम है, कहते हैं घर घर मोदी, अब मुझे लग रहा है घर घर इंश्योरेंस कवर, हालांकि मैं BJP का आदमी नहीं हूं, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो घर घर इंश्योरेंस कवर, इधर IRDA फुल जॉब में है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रेशर है अपने प्लान को सेल करने के लिए, मार्केट में कंपटीशन आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बीमा सुगम भी आने वाला है, ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो ये सब चीजें, जो डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है, ये सब चीजें क्या है, आपके फायदे की बातें हो रही है। जो व्यक्ति इस समय अपने आप को एजुकेट करेगा, एजुकेट करके अपने आप को तैयार करेगा आने वाले चुनौतियों को फेस करने के लिए, तैयार करना पड़ेगा, और जो तैयार करने के बाद अपने आप को काम पे लगाएगा, यानी काम करेगा ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ बैठ के प्लानिंग नहीं, ग्राउंड लेवल पे जो काम करेगा उसका भविष्य उज्जवल है।
जो सिर्फ सुनेगा देखेगा उससे कुछ नहीं होगा। तो ये जो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं आज से पहले कभी नहीं आई। आपको क्या करना है इस वीडियो को देखने के बाद में, ये जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आपको पता हो जाए और फिर आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए। अभी इससे बहुत ज्यादा कुछ आने वाला डिसीजन है, मैंने आपको पहले जागरूक कर दिया है कि अगर कस्टमर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सर मुझे तो पता नहीं है, राइट। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, तीन बातें मैंने बताई। नंबर एक, अपने आप को एजुकेट करते रहिए। मेरा पर्पज है इस चैनल में आपको एजुकेट करूं, ओके, आपको इनकरेज करूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाऊं, ताकि आप लोग सफल बन सकें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मार्केट में मिस सेलिंग हो रही है इंश्योरेंस वर्ल्ड में, वो खत्म हो जाए। मेरा पर्पज है आप लोग सेल्स तो करें लेकिन सही तरीके से करें, कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो, ट्रांसपेरेंस प्रैक्टिस के साथ में इंश्योरेंस सेल कीजिए और पैसा कमाइए। यही मेरा, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं एजेंट कम्युनिटी को, और जो लोग आपसे पॉलिसी खरीदते हैं उनका भी उद्धार हो। तो क्या करना है आपको, एजुकेट करना है, अपने आप को तैयार करना है फ्यूचर में आने वाले बदलाव के लिए, और मार्केट में काम करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा बताइए इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, साउंड की क्वालिटी कैसी है, लाइट कैसी है, थैंक यू वेरी मच, और क्या नहीं आपको अच्छा लगा वो बताइए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।